बाबा शुक्र जान छूटी मेरी। बस मैं तो ये सोच रही हूँ कि जरा ये मामला ठंडा हो जाए ना, तो फिर जाके सुरैया बाजी वाले जेवर बेचूं और इस घर के बाकी पैसे भी दे दूं। ताई मैं अस्मारेता को स्कूल कॉलेज छोड़ने आया। नहीं असलम भाई, हम नहीं जा सकते। टीचर ने बोला था अगर फीस ना हो तो मत आना। हम अपनी पढ़ाई भी शायद छोड़ देंगे। अम्मा के पास तो पैसे नहीं है। लोबला ये क्या बात हुई? हर माँ तो टाइम पे पैसे देते हैं। इस वक्त थोड़ी देर हो गई तो सबर नहीं कर सकते वो लोग? 3 महीने के सबर के बाद उन्होंने ऐसा कहा। बच्चियां ठीक कह रही हैं बेटा, तो ऐसा करो गाड़ी को सहन में खड़ा करके उस पर कपड़ा चढ़ा दो। जब अल्लाह को मंजूर होगा तो हो जाएगी पढ़ाई, वरना जो वो चाहे। ताई मैं बहुत नादिम हूँ, इस मुश्किल वक्त में मैं आप लोगों के किसी काम नहीं आ पा। अरे नहीं नहीं बेटे, तुम क्यों हो रहे हो नादिम? जब अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है तो सब सहारे पे सहारा कर जाते हैं। और तुम्हारी नीयत तो मैं जानती हूँ बेटा, मुश्किल वक्त में मुखलसी का बोला हुआ एक बोल किस कदर बड़ी ढारस होता है, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। बस मेरा ही काम कर दो। जी हुकुम। मोहल्ले भर में ये कहलवा दो कि सुरैया आपा कपड़ों की सिलाई का काम शुरू कर रही है। ताई जान, आप मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिएंगे? तो इसमें हर चीज क्या है बेटा? अल्लाह ताला ने एक हुनर अता किया है, तो क्यों ना इस मुश्किल वक्त में उसको इस्तेमाल करूं? आपकी तबीयत वैसे ठीक नहीं रहती है और नजर भी कमजोर हो गई आप। बाबा ने तो कभी आपको अपना सो भी सीने नहीं दिया। मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगी बच्चों को, आप फिक्र ना करें, हो जाएगा हम लोगों का गुजारा। ठीक है आसमान, तुम ट्यूशन भी पढ़ा लेना। लेकिन तुम देख रही हो महंगाई के इस दौर में सिर्फ इससे तो गुजारा नहीं होगा, हम सबको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हो जाएगा, आप फिक्र ना करें सर। ये तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है, चलो अब तुम्हें तुम्हारा ऑफिस दिखाते हैं, देखते हैं कि इतना आलीशान ऑफिस जो मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है तुम्हें पसंद भी आता है या नहीं। अरे अब बस भी कर दो बबन, क्या कीली ठोकते रहोगे? ये लगाओ यहाँ पे, अच्छी लगेगी यहाँ पे। ये लो लगाओ। ये अच्छा है कि तुमने जो है ना वो शादी वाली तस्वीर नहीं दी, मेरी चीखें निकल जाती हैं उसको देख के। अरे भाई लगा भी चुको तुम, बोलते बहुत हो। घर तो इस तरह सजाया जा रहा है जैसे अपना हो। क्या मतलब है तेरा? नहीं मेरे कहने का मतलब है तुम लोग इस तरह कीले वगैरह ठोक रहे हो, किराए का घर है, मकान मालिक को मसला नहीं होगा? ओ भाई नहीं कहेगा, हमने बात कर रखी है। और ये तू कहां से खाक छान के आ रहा है?
से कहाँ जाना है? वहीं गया होगा अपने चहीतों से मिलने के लिए अपनी ताई अम्मी के पास। देख बेटा, देख अब तू वहां ज्यादा नहीं जाएगा, बल्कि जाया ही ना कर। एक तो देख हम यहाँ आ गए, दूसरे वहां भाभी इद्दत में बैठी है, लोग क्या कहेंगे, बिला वजह की बातें बनाएंगे। सही बात है, लोगों का तो काम है बातें बनाना, यहां अपने नहीं छोड़ते दूसरों का क्या। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं अब्बा, मैं ताई को इस तरह नहीं छोड़ सकता। तुम लोग करते रहो ये सजावटें, और वहां उन लोगों के घर में राशन के पैसे नहीं, उन बच्चियों की पढ़ाई छूट गई, और तो और ताई ये कह रही थी कि वो अपने इलाके के लोगों के कपड़ों की सिलाई करे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मेहनत पे तो अजमत है, क्यों बब्बन? अगर इतनी ही अजमत है तो तुमने और अब्बा ने क्यों नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, माँ बेटा झगड़ा नहीं करना भाई, बिल्कुल नहीं। मैं जरा काम निपटा लूँ, मैं फिर जाता हूँ ना माँ भाभी के। और कुछ सीधी सी बात ये है, वो जो गाड़ी खड़ी हुई है बाहर घर के, उसको बेचें और अपने मसले हल करें। हाँ, जिस तरह जेवरात बेचे उसी तरह। ये क्या तू एक बात को बार बार कहे जाता है, जो होना था हो गया, क्या लकीर को पीटे जा रहा है भाई? जो भी हो अम्मा, भाई अब तुम्हें गाड़ी की चाबी नहीं देगी। जिस तरह तुम लोगों ने जेवरात छिनवा दिए, कहीं गाड़ी भी ना छिनवा। शन्नी, यहीं से शब्द तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं, इसकी आंखों पे तो ना उन लोगों की हमदर्दी की पट्टी चढ़ी हुई, और कुछ नहीं है। वैसे चलते हैं कल बब्बन उनके घर में, लिहाज मुरव्वत भी कोई चीज होती है भाई, जाके खबर तो ले उनकी। अच्छा चलो, अब तुम जल्दी से सब काम कर लो, अभी और भी बहुत से काम है करने के लिए। ठीक है। वेलकम अबोर्ड सर। थैंक यू डैड। सर ये वो मकाम है जहां तक पहुंचने का ख्वाब तुम्हारी उम्र का हर लड़का देखता है, लेकिन यहां तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि हर लड़के का बाप सेठ अफजाल नहीं होता। शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मेरे कहने का मकसद यह है कि हर कोई तुम्हारी तरह किस्मत लिखवा कर नहीं लाता। यहां इस ऑफिस में तुम देखोगे कि तुमसे कहीं ज्यादा जहीन और पढ़े लिखे लड़के मामूली सी नौकरी के लिए लाइन में लगे रहते हैं। नाउ इट्स अप टू यू, अभी तुम पे है कि अब तुम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करते हो और इस बिजनेस को मजीद आगे कैसे लेकर जाते हो। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। यस जय, आई विल ट्राई माई बेस्ट। गुड लक। जी फैज अहमद की बेटी, बहुत उम्मीदें थी उनको आपसे, इतना पढ़ाया लिखाया इस दिन के लिए। से मुंह लटका के बैठने से क्या फायदा? क्या करूं यार, मुझसे ताई की हालत देखी नहीं जाती। राजू काम कर, अपने चाचा को बोलकर मुझे कोई छोटा मोटा कारोबार करा दे यार। तो और काम कैसे करेगा? जानता हूं मेरे मुंह से ये बात बहुत अजीब लग रही है, पूरा दिन सड़कें नापता रहता हूं, पर एक मर्द होकर मैं अपनी घर की औरतों को इस तरह
लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए नहीं देख सकते। जितना मैं ताई अम्मा को जानता हूं, वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। देखिए असलम, दुख मुझे भी है। कितनी खुशहाल फैमिली थी पूरे मोहल्ले की, सब हाजी साहब कहते थे। तू टेंशन ना ले, मैं चाचू से बात करता हूँ, कोई ना कोई काम वो ढूंढ देंगे, ठीक है? मेरे पास ज्यादा तो नहीं, मगर मेरे पास से 500 रुपए इस नौकर की बाजी के लिए रखे। इस नौकर तो हम लोग रोज ही खेलते हैं, आज ना वो सवाब कमा लेता। टेंशन नहीं लेने दे, ठीक है? कोई टेंशन नहीं। राजू दोस्त हो तो तेरे जैसा रहा। चल ना यार, ये ले चाय पी, छोड़ चाय पी। वालेकुम अस्सलाम। दरवाजा पूछे खोला करो। हाँ सॉरी असलम भाई। ताई और अस्मा कहाँ हैं? वो अम्मी नमाज पढ़ रही हैं और अस्मा अभी कपड़े लटकाने छत पर गई हुई हैं। अच्छा, मैं कुछ खाना बनाने का सामान लेकर आया था, मैं फिर चलता हूँ। अरे वाह भाई, लगता है खाला ने कुछ मजे का बनाया है। नहीं, वो अम्मा ने खैरात निकाली थी ना गरीबों के लिए, तो कह रही थी सबसे पहले सुरैया खाला का हक है, इन्हें दे कर आऊं पहले। नहीं बेटा ये ले जाओ, गरीब नहीं है। चलो शाबाश। आपको शायद हमेशा की तरह झटपट की बात बहुत अच्छी। पर मैं आज आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आप हाजी फैज अहमद की बेटी, जिनका हाथ अल्लाह ताला ने हमेशा देने वालों में रखा। बहुत उम्मीदें थी उनको आपसे, पढ़ाया लिखाया इस दिन के लिए। कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी लोगों को खैरात बांटी, आज उसी के बच्चों को दूसरों की खैरात खानी पड़े। माना कि गम बहुत बड़ा है, पर इज्जत नफ्स से बड़ी। अपने बारे में नहीं तो ताई के बारे में सोचो, क्योंकि अपनी गैरत को इस तरह मरते हुए देख वो ज्यादा अरसा जी नहीं पाए।
वाह भाई, आज तो आपने पूरी दावत का एहतमाम कर डाला। किसी और को भी बुला रखा है? नहीं, किसी और को तो नहीं बुलाया, बस मैंने सोचा मेरे बेटे की ज्वाइनिंग का आज फर्स्ट डे है, बहुत हैक्टिक रहा होगा, तो क्यों ना उसके लिए थोड़ा सा स्पेशल कर दूं। थैंक्स मॉम, कोई हैक्टिक डे नहीं था, डैड ने कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल कर दिया था मुझे। वैसे भी मैं कोई आम शख्स थोड़ी ना हूं, सेठ अफजाल का बेटा हूं। अरे आप लोगों ने खाना शुरू नहीं किया, प्लीज स्टार्ट कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल ले रहे हैं, तुम भी लो ना, आपको डाल के दूं कुछ? हाँ भाई बिल्कुल, आज तो कोई परहेज नहीं, सब खाया जाएगा। इन सब में मेरे बाबा की यादें मौजूद हैं और मैं इन यादों और मोहब्बत का सौदा नहीं होने। तो बेटिया फिर क्या करोगी? मैं ये पकवान सेंटर खुद चलाऊंगी। हाजी फैज अहमद की बेटी, जिनका हाथ अल्लाह ताला ने हमेशा देने वालों पर रखा। बहुत उम्मीदें थी उनको आपसे, इतना पढ़ाया लिखाया इस दिन के लिए। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी लोगों को खैरात बांटी, उसी के बच्चों को दूसरों की खैरात खानी पड़ी। हेलो बिटिया। जी बाबा। नजर आ रहे हैं, कोई लॉटरी निकल आई है क्या? अरे लॉटरी से भी बढ़कर खुशी की बात, इस शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का दाखला फॉर्म, जहाँ पढ़ना इसका ख्वाब है। सच्ची? और नहीं तो क्या, मेरी बेटी कोई ख्वाहिश करे और मैं उसे पूरा ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा बहुत अच्छे। वो तो मैं हूँ, जो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी बेटियां अता की है। वैसे भाई साहब, लड़कियों की ना 12वीं जमात तक पढ़ाई बहुत है, वो भी इतनी महंगाई के दौर में। अरे भाई आपको नफा कमाना है तो किसी मुनाफे की जगह पे पैसा लगाइए ना। वही तो मैं कर रहा हूँ बाबा, दुनिया में बच्चियों की अच्छी तालीम और तरबियत, दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी शाफ़ा महशर में जन्नत का वादा, इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए? बाबा आपकी लीलों दुनिया में तो आपकी इज्जत की वजह नहीं बन सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि रोज़े महशर आपको हरगिज़ शर्मिंदा नहीं करूँगी। कैसे आना हुआ आप लोगों का? आपा कैसी गैरों वाली बात कह दी आपने, हमारा अपना घर है, क्या बगैर बताए आ नहीं सकते? अपना तो घर नहीं रहा शनली बहन, होता तो इस तरह छोड़ के जाते भला मुझे तुम लोग। देखा मेरी सेहत की फिक्र कर रही थी तुम, भाभी क्या सोचेंगी, ये ना सोचा तुमने? ऐसी कोई बात नहीं है बब्बन भाई, मैं तो बस ऐसी कह रही थी। अरे भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं भाई, आप ही के मसले के लिए तो मैं इधर उधर फिर रहा था, एक लम्हे चैन से नहीं बैठा हूँ, और इसलिए नहीं बैठा कि ये खुशखबरी लेकर आया हूँ। कैसी खुशखबरी? पकवान सेंटर को दोबारा खोलने के लिए। अच्छा वो भला कैसे? अरे भाभी वो नहीं है अकरम पकवान वाले, वो हमारा पकवान सेंटर ठेके पर लेना चाह रहे हैं, अच्छा खासा मुनाफा होगा भाई, नाम हमारा होगा, काम उनका होगा और हर महीने बेहतरीन मुनाफा। ये वही अकरम पकवान वाले हैं ना जो मिलावट शुदा और नाकिस चीजें इस्तेमाल करते हैं। भाभी वो तो खुदारा बबन भाई, आप क्या चाहते हैं, हाजी साहब की नेकनामी को इन लुटेरों के हवाले कर दूं?
जो उनके नाम के साथ साथ उनकी इज्जत को भी बेच खाए। पापा मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, अब आप खुद ही देख ले। या फिर ये जो बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई है भाई, इसको बेचकर घर का कुछ काम वाम करा ले। हम अब बाबा की कोई चीज नहीं बेचेंगे, चाहे वो ये घर हो, पकवान सेंटर या गाड़ी, ये सब मेरे बाबा की निशानियां हैं और निशानियां बेची नहीं जाती। नीलम क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे नहीं नहीं आपा, वो भाई साहब के चले जाने का सदमा है इसको। अब वो जैनब बता रही थी कि वो एक नफसियाती डॉक्टर को जानती है, कहें तो मैं जाके इसको दिखा दूं। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। अम्मी बाबा के जाने के बाद उनके हकीकी वारिस हम ही हैं और उनके छोड़े हुई चीजों के मुतालिक फैसला करने का इख्तियार भी हमें ही है। पकवान सेंटर हो, गाड़ी या फिर घर, इन सब में मेरे बाबा की यादें मौजूद हैं और मैं इन यादों और मोहब्बत का सौदा नहीं होनी। तो बिटिया फिर क्या करोगी? मैं ये पकवान सेंटर खुद चलाऊं। क्या पकवान सेंटर और तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? चाची आपने तो घर शिफ्ट किया था ना, सेटिंग हो गई आपकी? नहीं, रहता है अभी थोड़ा बहुत। तो फिर ऐसे भी क्या इमरजेंसी आ गई कि सुबह सुबह आप अपना बिखरा हुआ घर छोड़कर यहाँ आ गई? जाए और जाके अपना घर सेट कीजिए, हम अपने मामला खुद देख लेंगे। चलो बबन। देखो बेटा, इस वक्त तो आपके मतलब का काम मेरे पास नहीं। हाँ, एक महीने बाद एक ड्राइवर काम छोड़कर जाएगा तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा। चाचा फिलहाल जो भी काम हो मैं कर लूंगा, बस दिन के 200-400 रुपए हाथ आ जाए। नहीं नहीं, आप जैसे आराम तलब लड़कों के बस की बात नहीं है। लोडिंग का काम बहुत सख्त होता है। चाचा पैसे कितने दोगे? मैं लोडिंग कर लूं। ठीक है, तो फिर अगर तुम चाहो तो रोज के 500 रुपए ले लो और अगर चाहो तो पूरे एक महीने के 15,000। तो फिर ठीक है चाचा, मैं दिन के 500 रुपए ले लूं। क्या हो गया असलम, पागल है? यही समझ चाचा, क्या मैं आज से काम करना शुरू कर सकता हूँ? भले कर लो, अभी थोड़ी देर में ही लोडिंग की गाड़ी लगने वाली है, आप चाहो तो अभी से काम शुरू कर लो। ठीक है चाचा, मैं आज से ही काम करना शुरू कर। चल उठ यहाँ से, तेरी बस की बात नहीं है, चल। राजू मुझे ये करना होगा, तू जा, मैं कह रहा हूं तू जा, जा। अरे जाए तो ले कम से कम। तौबा भैया, उस मिसनी की जबान तो देखो, कहां तो बोलती नहीं थी। दरवाजा तो बंद कर लो बबन। ए भला बताओ, सुबह सुबह जलील करके रख दिया और वो सुरैया बाजी को देखो, उन्होंने तो हमसे नाश्ते तक का नहीं पूछा। हद हो गई भाई लोगों से। अब माफ कीजिएगा शन्नी बेगम, आप ही को शौक हुआ था वहां जाने का, मैंने तो नहीं कहा। बहरहाल दिल बुरा ना करो, मैं तुम्हारे लिए शीरमाल लेकर आता हूँ अजीज वाला। अरे दिल कैसे बुरा ना करूं, हमारे सामने की बच्ची अकड़ के हमारे सामने आ गई, कह रही पकवान सेंटर मैं खुद चलाऊंगी। अब भला बताओ चला सकती हूँ पकवान सेंटर? हद ही हो गई उस सड़की से तो भाई। हाँ तो अपना दिल क्यों खराब कर रही हो भाई, जवान खून है, नया नया जोश है, नए नए वलवले हैं, नए नए जज्बे हैं,
चलाने दें, ये शौक भी पूरा करने दें बिटिया को। देख लेंगे जब पकवान सेंटर पहुंचेंगी तो पता चलेगा ना कि ना वहां बिजली है, ना गैस है, ना गोदाम में कोई ताम तवाड़ा है। हम तो सब बेच बाज के यहाँ रख के आ चुके हैं। अब तो वहां सिर्फ ख्याली पुलाव ही पक सकते हैं और कुछ भी नहीं। और जब मजदूरों को तनख्वाह देने की बारी आएगी ना तो हाथों से तोते, मैना, चीले, कौवे, बटेरे सब उड़ जाएंगे। सच में? और क्या। और ये भी बात मेरी लिख लेना, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये नीलम अगर मुझे चाबी देने ना आई ना कि चाचा ये पकवान सेंटर किसी को ठेके पर दे दें तो मेरा नाम बब्बन से टब्बन कर देना। हाँ वैसे तुम बब्बन हो या टब्बन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जाओ जाके जल्दी से नाश्ता ले आओ, अब मैं कोई नाश्ता वास्ता नहीं बना रही भाई। नहीं वो ठीक है, आपके मुझे बुरा लग रहा है टब्बन। अभी मैंने टब्बन का नहीं कहा, अभी तो मैं बब्बन ही हूँ। अगर नीलम ना आई तो टब्बन कर देना, ये कह रहा हूँ। चले जाओ लेने, बिला वजह इतने जज्बाती हो रहे हो। गोलगप्पे वाला भी खड़ा ले आऊं क्या? चले जाओ, बिला वजह में जज्बाती हो जाते हैं जरा इसकी बात पर। पता तो चलेगा अब नीलम को अच्छी तरह। मैं चला लूंगी पकवान सेंटर। मैं आपसे वादा करती हूँ, बाबा का सर तो मैंने अपनी कमकली की वजह से झुका दिया, पर आपका सर मैं नहीं झुकने दूंगी। अम्मी तुम जानती हो ना कि ये बात सिर्फ कहने में आसान है, लोग तुम्हारी जिंदगी का असाब बन जाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे कि हाजी साहब की बेटी मर्दों के बीच आके बैठ के ही पकवान सेंटर चलाने। कर लेते लोगों को बातें, हमें लोगों का और काम क्या है। बाबा को गए हुए 3 माह हो गए इस दुनिया से, हमें गरीब समझ के खैरात देने आ गए लोग, लेकिन हमारी इज्जत नफ्स के लिए कोई सहारा बनने नहीं आया। जानती हूँ सब मैं बेटा, लेकिन तुम्हें इस माशरे की संदली का नहीं पता मेरी जान। ये लोग किसी मजबूर औरत की इज्जत खरीदने के लिए तो खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं, लेकिन वही औरत अगर बाइज्जत तरीके से हलाल रिस्क कमाने के लिए किसी ऐसे पेशे को अपनाए उसका जीना दोभर कर देते। मैं तुम्हें ये सब सहने के लिए माशे की भेड़ियों के सुपुर्द नहीं कर सकती। नीलम अम्मी ठीक कह रही हैं, तुम कोई और जॉब देख लो, तुम्हें तो कोई भी अच्छी जॉब मिल जाएगी, इतना पढ़ा है तुमने। मैं छोटे बच्चे ट्यूशन पढ़ा लूं, हो जाएगा हम लोगों का गुजारा। नहीं होगा हमारा गुजारा, तुम और रिदा सिर्फ पढ़ोगे। बाबा यही चाहते थे ना, मैंने तो तोड़ दिए बाबा के ख्वाब, लेकिन तुम लोगों को मैं ये करने नहीं दूंगी। और अम्मी आप मेरी फिक्र ना करें, जिस दुख और पछतावे की भट्टी से मैं गुजर चुकी हूँ ना, अब मुझे लोगों के रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, बाबा का सर तो मैंने अपनी कमकली की वजह से झुका दिया, पर आपका सर मैं नहीं झुकने दूंगी। अम्मी अम्मी प्लीज मुझ पे भरोसा करें, मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगी। हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ बेटे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रब हमारे साथ है।
कहती हूँ असलम को बुलवा ले, ऐसे कैसे अकेली जाओगी, उसके साथ चली जाओ। नहीं अम्मी, मुझे खुद को दुनिया के कमजोर सहारों का आदी नहीं बनाना। आप फिक्र ना करें, अल्लाह पे तवक्कल की है ना, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और वैसे भी अगर चाचे चाची को पता चल गया तो असलम का जीना मुहाल कर देंगे। ठीक कह रही हो तुम। और वैसे भी दो कदम पे तो है पकवान सेंटर। आपी, मैं भी आपके साथ चलूं? हरगिज नहीं, अंदर जाओ और पढ़ाई करो। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह तुम स्कूल जाओगी वापस। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चले अम्मी मैं चलती हूँ। नीलम अपना ख्याल रखना। लकी अमान में। अल्लाह हाफिज। निवाला नहीं उतरेगा भाई, मेरे तो सीने पे सांप लौट रहे हैं। भला बताओ तो सही, माँ बाप की फिक्र नहीं और जाके दूसरों की मजदूरियां कर रहा है। किसी बात पर तो मुझे भी हैरत हुई है। यानी सारे सारे दिन भन्ना कर सोने वाला, बताओ सूरज निकलने से पहले उठने लगा। शन्नी बेगम, ये इश्क बड़ी बुरी चीज है, बड़ो बड़ों को काम पे लगा देती है। अरे भाड़ में जाए ऐसा इश्क। अरे ये तो भाई साहब की जायदाद की लालच थी जो मैं अस्मा का नाम भी ले लेती थी, वरना ऐसे लोगों से तो मैं कोसों दूर रहा हूँ। आज जरा ऐसा इश्क का भूत उतारूंगी ना कि बता नहीं सकती। और अगर भूत ना उतरा तो शनि मेरा नाम नहीं। आ जाए जरा घर। हाँ तो वो इश्क का भूत उतार देना, उसमें क्या है, ये जो मैं ब्रेकफास्ट लाया हूँ ये बड़ा प्यार से लेकर आओ, ये तो खा लो। रख दो इसे, रख दो इसे। और तुम्हें मैं बता रही हूँ, जाके ना जमीर को कह दो कि उसकी दुकान पे हमारा बेटा नजर ना आए। बता रही हूँ मैं तुम्हें, अच्छा नहीं होगा। हाँ कह दूंगा, कह दूंगा मैं, अभी अभी थोड़ी देर बाद जाके कह दूंगा, नाश्ता कर लूं जरा, खा लेती तो अच्छा था मेरे साथ ही। भाई सब खड़े खड़े तमाशे ही देखोगे या आगे बढ़ के कोई हेल्प भी करेगा उनकी? ये हमारे हाजी साहब की बेटी है। सब खड़े खड़े तमाशे ही देखोगे या आगे बढ़ के कोई हेल्प भी करेगा उनकी? ये हमारे हाजी साहब की बेटी है। अरे बेटा हटो, मैं खोल देता हूँ। नहीं नहीं आप रहने दे, मैं कर लूँगा। अरे नहीं नहीं कोई मसला नहीं, हाजी भाई की आप बेटी है हमारे लिए तो सारा हो बेटा।
अच्छा हुआ जो लालची लोगों से तुम्हारी जान। बस बाबा, आप अपने रिस्क के हलाल और शाही बावर्ची के लेक्चर मुझे ना दे। बहुत महंगा पड़े मुझे ये सब। बावर्ची चाहे शाही हो या मामूली, होता बावर्ची ही है। आसमान से जमीन में लपे गए। आज इनकी मौजूदगी की वजह से कितनी जिल्लत उठानी पड़ी है मुझे। ये एक नाकाम बाप है। बावर्ची, अरे अब तो ये रोज का काम है, डेली तुम्हें थोड़ी ना तंग करूंगी मैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब पकवान सेंटर रोज खुलेगा। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि बच्चों को हमेशा गाइड करते रहना चाहिए, वरना आजकल के हालात में तो ये बच्चे कहाँ के कहाँ निकल जाएं। बस अब तुम बिस्मिल्लाह करके इस कुर्सी पर बैठ जाओ और दुनिया को बता दो कि तुम हाजी भाई की बेटी हो।